हमारा सनातन धर्म यानी भारत प्राचीन काल में कितना ज्यादा संपन्न और वैभवशाली था, अगर आपको इसको जानना है तो आपको भारत के प्राचीन मंदिरों को देखना होगा, क्योंकि भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं, उनकी वास्तुकला और आर्किटेक्ट इतना ज्यादा सुंदर और रहस्यमय है, जिसको आज के जमाने में सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पे भी देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिरों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको भारत में आए अक्रांता यानी जो मुगल थे, उन्होंने इसके वैभवशाली इतिहास को हमेशा तोड़ने की और लूटने की कोशिश की। तो हम आपसे ये आग्रह करते हैं, इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा, आपको देख के भारत के प्राचीन वैभवशाली इतिहास को जानकर काफी अच्छा लगेगा। तो इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि लगभग 7वीं सदी से भारत में मुस्लिम आक्रांताओं यानी मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया था, और उस जमाने में इनका मुख्य उद्देश्य यही हुआ करता था कि भारत जैसे संपन्न देश को लूटना और वहाँ पर एक इस्लामिक शासन की स्थापना करनी है। तो इस उद्देश्य वो हमेशा भारत पर आक्रमण करा करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि 7वीं से लेकर लगभग 16वीं शताब्दी तक लगातार हजारों हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ लूटना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो अगर हम बात करें भारत के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर के बारे में, जिसका नाम मार्तंड मंदिर है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है, जो कि स्थित है अनंतनाग यानी कश्मीर में, और ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर की घाटी में लगभग 8वीं शताब्दी में बने ऐतिहासिक और विशालकाय मार्तंड सूर्य मंदिर को मुस्लिम शासक जिसका नाम सिकंदर बुस्तिगन था, उसने तोड़वाया था। और भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इस मंदिर को करकोटा समुदाय के राजा, जिनका नाम राजा ललितादित्य था, उन्होंने इस मंदिर को लगभग 725 से लेकर 761 ईस्वी के बीच में बनवाया था। और आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि उस जमाने के लोग वातावरण और प्रकृति के इतने अच्छे जानकार थे कि उन्होंने इस मंदिर का निर्माण उस जगह पे करवाया जहाँ पर अनंतनाग से पहलगांव के बीच एक स्थान है जो पूरी तरीके से पठार नुमा है, यानी वो पूरी तरीके से समतल है, और पहाड़ी क्षेत्रों में समतल स्थान सबसे बेहतर स्थान था जहां पर एक अच्छे मंदिर का निर्माण करवाया जा सके। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में राजा ने इस मार्तंड मंदिर का निर्माण उस स्थान पर करवाया। और ऐसा कहा जाता है कि जिस जमाने में इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा, ये मंदिर इतना ज्यादा सुंदर और वैभवशाली होगा जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते होंगे। लेकिन जब मुगलों ने इस पर आक्रमण किया, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम इतिहासकार हसन ने अपने पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कश्मीरी जनता का धर्मांतरण किए जाने का जिक्र इस तरीके से किया है कि इस मंदिर पर आक्रमण करने वाले सुल्तान बुस्तिकन ने पंडितों को सबसे ज्यादा दबाया था, और उसने उस जमाने में 3 खीबार यानी 7 मन जनेऊ को इकट्ठा किया था, जिसका मतलब ये है कि इतने पंडितों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन सभी दृश्यों को उस जमाने के हजरत अमीर कबीर, जो कि उस जमाने के धार्मिक नेता हुआ करते थे, उन्होंने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी थी, और उन्होंने ये भी देखा था कि उस जमाने में किस तरीके से इस सुल्तान ने उस मंदिर को कितने बेरहमी तरीके से नष्ट किया और हजारों पंडितों का बेरहमी से कत्ल किया, जिसके सबूत इस मंदिर की स्थिति आज के समय में आपको देखकर मिल जाएगी कि आखिर किस तरीके से उस जमाने में इस मंदिर पर आक्रमण किया गया होगा। क्योंकि आज के समय में भले ही इसकी स्थिति एक खंडहर की भांति हो, लेकिन आज भी यह मंदिर दिखने में काफी आकर्षित और सुंदर लगता है। और अब बात करते हैं उस मंदिर के बारे में जिसको मेडोरा सूर्य मंदिर कहा जाता है, और यह मंदिर पाटन गुजरात में स्थित है, यानी यह मंदिर गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। और इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण सूर्यवंशी सोलंकी राजा, जिनका नाम भीमदेव प्रथम था, उन्होंने साल 1026 ईस्वी में करवाया था। और इस मंदिर पे भी मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के दौरान इस मंदिर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, और यहाँ पर उसने लूटपाट की थी, और उस जमाने में इस मंदिर की अनेकों दिव्य मूर्तियों को खंडित भी कर दिया था। अब इस मंदिर को देखने के पश्चात अब हम चलते हैं उस मंदिर की तरफ जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, जो कि आज के समय में वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख माना जाता है। और इस काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थिति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसने कराया, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगता, क्योंकि इस मंदिर को ऐसा कहा जाता है कि आदिकाल से काशी में ही स्थित है, जिसका उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी किया गया।
गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि साल 1100 ईस्वी पूर्व राजा हरिश्चंद्र ने इस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और उनके जीर्णोद्धार करवाने के हजारों साल बाद सम्राट विक्रमादित्य ने पुनः जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन फिर समय आ जाता है साल 1194 का और इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरे इस मंदिर को लूटने आ जाता है और लूटने के साथ साथ इस मंदिर को भी वो तोड़वा देता है। अब इस मंदिर को लूटने और तोड़ने के बाद जब वो इस मंदिर से भाग जाता है फिर इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को पुनः लोगों के द्वारा बनवाया जाता है। लेकिन एक बार फिर से जब मुगलों का साम्राज्य भारत में स्थापित हो जाता है तो साल 1447 में जौनपुर के सुल्तान जिसका नाम महमूद शाह होता है उसके द्वारा साल 1447 में इस मंदिर को तोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर समय बीतता जाता है और फिर साल आता है 1585 ईस्वी का जिसमें ऐसा कहा जाता है कि राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस मंदिर की पुनः स्थापना कराई जाती है और इस मंदिर को पहले से काफी ज्यादा भव्य बनाया जाता है। लेकिन फिर ऐसा कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर को साल 1632 में शाहजहां के द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। यानी इस काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए उसने अपनी काफी भारी सेना भेज दी थी। लेकिन अब इतना ज्यादा झेलने के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि हिंदू काफी ज्यादा एकत्रित हो गए थे, संगठित हो गए थे और सभी हिंदू शाहजहां के सैनिकों का प्रतिरोध करने लगे जिसकी वजह से हुआ ये कि विश्वनाथ मंदिर को शाहजहां की सेना नहीं तोड़ पाई। अब इससे बौखलाकर उसकी जो सेना थी इस विश्वनाथ मंदिर को तो नहीं तोड़ पाई लेकिन काशी के आसपास लगभग 63 छोटे मोटे मंदिर स्थित थे उन सभी मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया और उसके द्वारा ये दिया गया फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है जो कि आज के समय में कोलकाता में स्थित है और उस जमाने के लेखक साकी मुस्तकई खां द्वारा भी लिखित मसीद अल-मिग्री में भी इस मंदिर को किस तरीके से ध्वस्त किया जाना चाहिए इसमें इसका वर्णन किया गया है। और अब बात करते हैं उस मंदिर के बारे में जो आज के समय में सबसे ज्यादा विवाद का कारण बना हुआ है, यानी वो मंदिर कोई और नहीं ज्ञानवापी मंदिर है। यानी ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के आदेश पर इस ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई थी। यानी लगभग 2 सितंबर साल 1959 को औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा उसको ये सूचना दी गई कि मंदिर ध्वस्त कर दिया गया है और जब इस मंदिर का ध्वस्तीकरण हो गया था उसके पश्चात ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा ये भी आदेश दिया गया था कि रोज हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बना दिया जाए क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही हिंदू समाज के जितने भी अलग अलग लोग थे उन सभी को ज्ञान दिया जाता था। इसलिए औरंगजेब को ये पता था कि अगर इस देश पर इस्लाम को स्थापित करना है तो हमें सबसे पहले सनातन धर्म का अंत करना पड़ेगा, इसलिए उसने ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा जुल्म किया। और अगर हम इसके इतिहास के और डीप में जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि साल 1752 से लेकर साल 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्लराव होलकर ने इस मंदिर पर कब्जा किए गए शाहजहां के सैनिकों से मुक्ति कराने का प्रयास किया गया था लेकिन उनको कोई भी सफलता नहीं मिली क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साल 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महाजी सिंधिया ने दिल्ली के उस समय के बादशाह शाह आलम से इस मंदिर को तोड़ने की जो क्षति हुई थी उसको वसूल करने का उनसे आदेश जारी करवा लिया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय तक भारत पर अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब अंग्रेजों का शासन होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि जितने भी नवाब थे उनकी जो शक्तियाँ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी जिसके कारण हुआ ये कि इस मंदिर को पुनः निर्माणीकरण करने के लिए अब हिंदू पक्ष ने फिर से जद्दोजहद की। तब ऐसा कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मंदिर का थोड़ा बहुत नवीनीकरण करवाने के लिए मान गए थे। यानी ऐसा कहा जाता है कि साल 1777 से लेकर 80 तक इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था और अहिल्याबाई होलकर ने इस परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया था और तब ग्वालियर की महारानी बैजबाई ने ज्ञान व्यापी का मंडप बनवाया था और महाराजा नेपाल ने वहाँ पर एक विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। और फिर साल आता है 1809 और उस समय ऐसा कहा जाता है कि काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र ज्ञान व्यापी मंडप का क्षेत्र था। और फिर ऐसा कहा जाता है कि 30 सितंबर साल 1810 को बनारस के तत्कालीन उस जमाने के जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखा
कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। अब उन्होंने ये पत्र तो लिखा, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण से ये ज्ञानवापी मंदिर की लड़ाई आज तक चल रही है। अब इसी तरीके से बात करते हैं अगले मंदिर के बारे में, जिसे हम कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के इस आधे भाग पर ही ईदगाह बनाई गई है। यानी औरंगजेब ने साल 1660 में मथुरा में स्थित इस कृष्ण मंदिर को तोड़वा कर वहाँ पर ईदगाह बनवाई थी, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर पहले कारागार हुआ करता था, जिसके सबूत ऐसा कहा जाता है कि महाछत्रप सौदास के समय के एक शिलालेख से ज्ञात हुआ है कि किसी वासु नामक व्यक्ति ने यह मंदिर बनवाया था, और इनके बनवाए जाने के बहुत समय के पश्चात दूसरी बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार विक्रमादित्य के काल में करवाया गया था। यानी इस भव्य मंदिर को साल 1017 से 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था, और बाद में इसे महाराजा विजयपाल देव के शासन में साल 1150 ईस्वी में जज्जक नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया था। और यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा दिया था। फिर इसके बाद ऐसे सबूत मिलते हैं कि ओचरा के शासन राजा वीर सिंह बुंदेला ने पुनः इस खंडर पड़े स्थान पर एक भव्य और पहले की अपेक्षा विशाल मंदिर बनवाया। इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर इतना ज्यादा ऊंचा और विशाल था कि यह आगरा से साफ दिखाई दिया करता था, लेकिन इसे भी मुस्लिम शासकों ने साल 1660 ईस्वी में नष्ट कर भवन सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बनवा दी गई, जो कि आज भी विद्यमान है। और साल 1669 में इस ईदगाह का निर्माण पूरा हो गया था। लेकिन समय गुजरता गया, फिर ऐसा कहा जाता है कि जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी इस स्थान पर आए, उनके द्वारा किए गए भरसक प्रयास से यह संभव हो पाया कि इस स्थान पर पुनः एक मंदिर की स्थापना की गई। लेकिन अब यह विवादित क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह है और आधे हिस्से पर मंदिर है, और जिस स्थान पर ईदगाह बना हुआ है वही विवादित स्थान माना जाता है। यानी हिंदू पक्ष के द्वारा कहा जाता है कि इसी विवादित स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिस स्थान को लेने की लड़ाई कानूनी रूप से तैयार हो चुकी है। और अब बात करते हैं उस आखिरी मंदिर के बारे में, जिसको मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यानी तमिलनाडु राज्य के मुदैर शहर में स्थित एक भव्य और दिव्य प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यानी ये मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव की धर्म पत्नी, जिनका नाम देवी पार्वती है, जिनको मीनाक्षी देवी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं को समर्पित है। और ये मंदिर लगभग 2500 साल पहले शहर मुद्राई या मुदैर का दिल और जीवन रेखा कही जाती थी। यानी इस स्थान पर स्थित यह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्राचीन माना जाता है, और कहते हैं कि सर्वप्रथम इस मंदिर की स्थापना राजा इंद्र ने की थी। और ऐसा कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी आते आते मुगल के मुस्लिम कमांडर मलिक काफूर ने इस मंदिर को तोड़ा और लूटपाट करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, और जब समय आया साल 1623 का और 1665 का, तब इसी बीच इस मंदिर के वास्तविक स्वरूप को पुनः निर्माण करवाया गया। और बाद में 16वीं शताब्दी में उस जमाने के शासक विश्वनाथ नायक के द्वारा इसे पुनः निर्मित करवाया गया था, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि विश्वनाथ नायक ने ही इसे शिल्प शास्त्र के अनुसार पुनः बनवाया था। यानी अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में मुगल शासकों के द्वारा अनेकों मंदिरों को भारत से लूटा गया, तोड़ा गया और लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन फिर भी प्राचीन मंदिर इतने ज्यादा मजबूत और सौंदर्यवान थे, जिनकी सुंदरता आज भी कम नहीं हुई है। और ये सभी मंदिर दिखाते हैं भारत के अस्तित्व को और प्राचीनता को, कि भारत प्राचीन काल में कितना ज्यादा वैभवशाली और संपन्न देश हुआ करता था, जो कि आज की भी टेक्नोलॉजी को मात दे देता है। तो अगर आपको भारत के इन प्राचीन और दिव्य मंदिरों की जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।